बता दीजिए महादेव, आपकी शक्ति अपना कर्तव्य निभाने जा रही है। सागर का आनंद ले रहे हैं, शिव तो यहां है, उनकी शक्ति कहां है? महादेव, मैं पूछ रहा हूं, देवी पार्वती कहां हैं? इसका उत्तर मैं नहीं जलंधर, स्वयं तुम्हारी शक्ति और सत्ता का केंद्र स्वयं सागर देगा, स्वयं सागर देगा। जानते हो क्यों? क्योंकि स्वयं आदि शक्ति इस सागर के गर्भ में समा चुकी है, सागर के गर्भ में समा चुकी है, सागर के गर्भ में समा चुकी है। तुम्हारे नाश का नाद बनने, जलंधर का नाश असंभव। शिव और शक्ति हैं तो सब संभव है जलंधर। शीघ्र ही इस संसार की आदि शक्ति अपना नया रूप लेंगी, नया रूप लेंगी, नया रूप लेंगी। शिव से पुनः मिलेंगी। आदि शक्ति के नए अवतार के साथ तुम्हारा नाश निश्चित है। मेरा नाश असंभव है महादेव, असंभव। मति भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। मेरी पत्नी होकर इतना बड़ा झूठ क्यों बोला भगवान जलंधर से? हमारी कोई संतान नहीं है और इसके माता पिता, अवसर सामने था तो बन गई मैं इसकी माँ, और ये मेरी पुत्री। नहीं, नहीं है ये हमारी पुत्री। न जाने कौन है उसके माता पिता और कैसे आप फंसी इस अथा सागर में। सैनिकों, वो महादेव पर दृष्टि रखो, मुझे क्षण क्षण की सूचना चाहिए, समझे? जो आज्ञा प्रभु जलंधर। और पिताश्री, अपने सभी गुप्तचरों से कह दीजिए कि सागर की एक एक हलचल पर दृष्टि रखे। बल से नहीं,
उछल से सही, परंतु मुझे वो आदि शक्ति हर रूप और हर स्वरूप में चाहिए। जैसे सागर में समाई हर वस्तु हम मछुआरों की होती है, उसी प्रकार सागर से आई ये पुत्री भी इस मछुआरे और मछुआरन की हुई। नियति का लेख महादेव की भेंट है ये, देखिए कितनी सुंदर और निश्चल है ये। इसके सर पर सागर में फंसने का दंड नहीं, केवल स्नेह भरे हाथ का आशीर्वाद होना चाहिए। को संतान मिली है, उनके घर पुत्री की प्राप्ति हुई है। क्या? पुत्री? किंतु कैसे और कहां से? सागर तट पर। वो देखो सरदार और सरदारन यहीं आ रहे हैं अपनी पुत्री के साथ। बड़ी ही देव संतान है, हंसती है तो लगता है सारी प्रकृति खिलखिला रही है। रूप भी कितना अलौकिक है। बस करो तुम सब लोग, मेरी पुत्री को तुम लोगों की दृष्टि लग जाएगी। कितना शुभ संयोग है, सरदार और सरदारनी के पास सब कुछ था सिवाय संतान की। आज शिव शक्ति की कृपा से उनको वो संतान भी प्राप्त हो गई। पुत्री पाने के शुभ समाचार के साथ साथ
मैं आप सबसे एक नम्र निवेदन भी करना चाहता हूं कि ये बात हमारे बस्ती के बाहर ना जाए कि ये बच्ची हमें सागर में प्राप्त हुई है। सदाशिव, आपको आना होगा। आरंभ देवी के नए रूप से हुआ और जलंधर का अंत आपके आने से होगा। चिंतित ना हो पुत्र, महादेव ने कहा है ना कि देवी पार्वती सागर में है। संसार की आदि शक्ति सागर के गर्भ में समा चुकी है। आ रही है आदि शक्ति तुम्हारे नाश का नाद बनने। देवी पार्वती सागर में और वो अवश्य मिलेगी। मैं स्वयं उन्हें ढूंढने का प्रयास करता हूँ।